और लंबाई 35 मीटर के 20x35 मीटर का झंडा है। इसका वेट कम से कम 400 किलो के आसपास है, 400 किलो। अच्छा एक बात ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे ये इतने बड़े बड़े साइज के झंडे बनाते हैं या और भी कुछ लेवल पे झंडे बनाते हैं या जैसे? नहीं, हमारा काम है नेशनल फ्लैग बनाने का, जो कि आप देखो दिल्ली के अंदर जगह जगह लगते हैं नेशनल फ्लैग 30x30 फुट का, ये हमारा रेगुलर काम है। लेकिन BCCI की तरफ से पहली बार काम आया तो हमने छोड़ा नहीं, हमने सोचा कि ये अच्छा हमारे लिए एक मौका लग जाएगा तो काम हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी थोड़ी सी, या मतलब हमारे हाथों इस काम को अंजाम हो जाए, तो इस वजह से हमने काम पकड़ा ही। बाकी आप देखें कोई कमी हो तो बताए हमारे को, हमारे इंडिया का नाम भी। झंडे का साइज देखिए फ्रेंड्स कितना बड़ा, ये 20x35 मीटर का ये जो फ्लैग है, ये देखिए फुटबॉल का पूरे फुटबॉल ग्राउंड में ही आ रहा है ये फ्लैग, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं झंडा, ये झंडा ऑस्ट्रेलिया का और इसका जो साइज है वो 20x35 मीटर है। ये बहुत बड़ा झंडा है, ये एक फुटबॉल ग्राउंड में पूरे ग्राउंड में आया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ग्राउंड इसने कवर कर लिया है। इसको फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, ये जितने बंदे देख रहे हैं आप कम से कम ये 15-20 लड़के हैं, इन सबों ने मिलकर इस झंडे को फैलाया है। अपने आप में ये यूनिक है ये, और जो ये बनाया हमारे भाई ने जो मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में, उन्होंने बनाया ये, इनका नाम राजा है और ये सदर में रहते हैं, सदर मार्केट। ये नेशनल फ्लैग ही बनाते हैं, वैसे तो ये इंडियन फ्लैग बनाते हैं तिरंगा अपना नॉर्मली, बट इनको पहली बार ये ऑफर मिला है BCCI की तरफ से, जो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का झंडा बनाया क्रिकेट के लिए। तो ये बहुत बड़ा झंडा है, ये इन्होंने एक सैंपल देने बनाया, अगर ये झंडा इनका रेडी हो गया और ये ओके हो गया तो ये और भी 15 कंट्रीज के झंडे बनाएंगे। ये देखिए ये है झंडा ऑस्ट्रेलिया का, ये फुटबॉल ग्राउंड है, ये आधे से ज्यादा ग्राउंड में आ गया पूरा।